पढ़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर लोग बोलते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने घर की बातें क्यों करते हैं। आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं रेडी हो गई हूँ। और अभी मैं आफ्टरनून के लिए रेडी हुई हूँ, इसके बाद मैं इवनिंग के लिए रेडी होंगी। तो ये है मेरा आज का लुक और ये है मेरी चूड़ियाँ जो कि मेरे सूट से मैच करता है। और आपको सूट का और साड़ी का हॉल वीडियो देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। और ये फैशन गर्ल की लिपस्टिक मैंने लगाई है, आई थिंक फैशन गर्ल की है ना, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट मैं आपको लिपस्टिक का रिव्यू जल्दी शेयर कर दूंगी। और सच्ची बताऊँ, ये लिपस्टिक ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है और वो मतलब होठों पे ऐसे चिपक जा रही है ना कि पूरे दिन स्टे रह रही है। मुझे बहुत पसंद आई ये लिपस्टिक और मैं आपको एक बार ना अपना पूरा लुक दिखाना चाहती हूँ कि मेरा पूरा लुक कैसा लग रहा है। तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं एक बार फुल आउटफिट का लुक बनाती हूँ, ठीक है। बना लिया है और मैं जा रही हूँ काम करने। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बैकग्राउंड रेडी किया है और अपने बेटे की केक काटने के लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने इस कमरे की रोशनी थोड़ा ज़्यादा कर दिया है और कुछ कमाल जो है मेरे रिंग लाइट का भी हो गया है। आज का मेरा लुक कैसा लग रहा है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का रखा है। हो सकता है कि मेरी बड़ी ननद आए तो इसलिए मैंने कुछ वेस्टर्न वेयर वगैरह नहीं पहना है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है अगर मेरे ननद और नंदोई आए तो। फिर इसीलिए मैंने कंफर्टेबल के लिए ये मैंने कुर्ता पहन लिया है। और मैं पहले रिवील कर दे रही हूँ, बट कोई बात नहीं, आप सबको पता है कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग किया है, तो इसका हॉल वीडियो आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। तो मेरा लुक ज़रूर मुझे बताना। और आज का वीडियो बस इतना ही, और अब जो वीडियो आएगी निशु के बर्थडे का आएगा या फिर हॉल वीडियो आएगा उसके बाद बर्थडे वीडियो आएगा। मैं बहुत मजबूर होके आपको हार मान के ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी अंदर से कितनी हालत ख़राब है। मैं मेडिसिन खा खा के, दवाइयाँ खा खा के जो है ना ये सारे घर के काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई करने वाला नहीं है। सिर्फ लोगों को बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसे करना पड़ता है गाइस, उसे ही पता होता है कि किसी भी चीज़ में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो और आप लोगों ने पूरा सुबह का वीडियो तो देख ही लिया होगा कि मैंने पूरे दिन कितनी ज़्यादा सुबह के 8 बजे से लगातार मैं काम कर रही हूँ। अब जाके फ्री हुई हूँ, लेकिन अभी भी फ्री नहीं हुई हूँ, क्योंकि अब जा रही हूँ मैं क्या बोलते हैं उसको, खाने की तैयारी करने। लहसुन, ढेर सारे प्याज, वो सब मैं काटने जा रही हूँ। तो चलिए मैं उसकी तैयारी करती हूँ और निशु का बर्थडे ब्लॉग आप लोगों को जल्दी से देखने को मिलेगा। और थैंक यू सो मच आप सभी का, सबने निशु को बर्थडे विश किया है, तो दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी ने निशु को बर्थडे विश किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि अभी बहुत काम है, इस वीडियोस को मैं इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। इवनिंग का अगर कुछ जो है लुक चेंज करूँगी तो वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेगा। और टुडे इज़ माई आई मेकअप लुक, लुक एट दिस माई मेकअप लुक। तो कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आए, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करना, बाय बाय। सो गाइज, आप लोगों को मेरे वीडियोस का वेट था, तो मेरे पास जो भी वीडियो क्लिप थी मैं वही आप लोगों को एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माफ़ करना गाइज, मेरी वीडियो नहीं आ पाएगी,
और यही वीडियो मैं जैसे तैसे एडिट करके आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों की गंदगी आप लोग खुद देख लो, खुद पढ़ लो। कुछ कमेंट तो मैंने लगाए नहीं स्क्रीनशॉट में, क्योंकि इनके दिमाग की जो भी गंदगी है ना वो यहाँ पे जो है फैलाने के लिए आते हैं। मैं जानती हूँ कि इनके नज़र में सब चीज़, जैसे ये लोग खुद अपनी नज़र में खुद के लिए ड्रामा है ना, वैसे इनके लिए सारी दुनिया ड्रामा ही लगती है, नाटक ही लगता है। तो ऐसे लोगों के मैं मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। तो ये निशु के बर्थडे का वीडियो क्लिप है, और इससे एक दिन पहले से ही मेरी कंडीशन ख़राब थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी कंडीशन कुछ इस हद तक ख़राब होगी कि मुझे टेस्ट कराना पड़ेगा और मुझे जो है होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। और मेरी कंडीशन वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो नीच लोग हैं ना उनको नहीं बता रही हूँ, बस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को जान के बहुत ज़्यादा ये लगेगा कि हाँ दीदी की तबीयत ख़राब है। क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए, कमेंट किया कि दीदी आप अपना ख्याल रखो, टेक केयर करो। मुझे इतना खुशी हुआ ना कि चलो जब कोई नहीं होता ना आगे पीछे, तो अब एक परिवार ऐसा लगता है कि आप लोग मेरा परिवार हो, और मेरा कितना ज़्यादा आप लोग ख्याल रखते हो गाइस। फिर भी देखो कुछ लोगों ने ना इतनी गंदगी मचा रखी है ना कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि इन लोगों के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है कि इनको आके यहाँ पे ये सब चीज़ें करनी होती है। खैर कोई बात नहीं, जो नीच लोग होते हैं वो अपनी नीचता हर जगह दिखाते ही हैं। अभी भी मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, बट आप लोगों के लिए मैं ये एडिटिंग करके आप लोगों को वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो शेयर करने का मकसद मेरा पैसा कमाना नहीं है, बस आप लोगों को अपडेट देना है कि मेरे पास जो भी वीडियो क्लिप थी, और अपने रूम में ही हूँ मैं, क्वारंटीन हूँ। बस आज का दिन और है, बस मैं रिकवर कर रही हूँ। आप लोगों ने इतने सारे विशेस किए, प्रे किए मेरे लिए, इतने सारे मैसेजेस किए कि उन सभी मैसेजों का असर जो है मेरे साथ होना ही था। तो बस हमेशा आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रहती है ना, मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि आप लोगों के प्यार में, दुआओं में इतना ज़्यादा असर है ना गाइस कि मैं हर बीमारी से लड़ के वापस आ जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं कि आप लोगों ने मेरे लिए प्रे किया। अगर मैं बीमार नहीं होती तो आप सबको पता है कि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आती ही आती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे शॉपिंग हॉल पड़े हुए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बिकॉज़ अभी आप लोगों को एक बड़ी मार्केट का शॉपिंग हॉल भी देखना है, और बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग हॉल भी देखना है। तो ये स्पेशल, आपको पता है कि इस दिन मैं ठीक हो गई थी, इससे एक दिन पहले मैं बीमार थी, मेरे को रात भर बुखार था, लेकिन सुबह जो है मैं रिकवर कर गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि शाम से जब बर्थडे मनाने के बाद मेरे को कंटिन्यूसली रात भर उल्टियां शुरू हो गई थी, और मेरी हालत सुबह होते 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 बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये जो ड्रेस मेरे भांजे के हाथ में है ना, तो निशु की बुआ ने उसके, तो थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छा लगा, निशु को भी बहुत पसंद आया और हम सबको बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो सेक्शन चल रहे, और वीडियो बहुत लंबी थी तो इसलिए मैंने सभी को फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा दिया है, क्योंकि जो है बच्चे बच्चे ही कैमरे में आते हैं, बाकी लोग नहीं आना पसंद करते हैं। तो मैं अपने भांजे को ना अपनी ड्रेसेस दिखा रही थी कि मैं हल्दी में क्या पहनूँगी, इसमें क्या पहनूँगी, उसमें क्या पहनूँगी। तो चलो मिलती हूँ। तो गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कल रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नॉर्मली तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मैं अपने खाने पीने की चीज़ें खुद ही बना रही हूँ, हालांकि मैंने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया पिया, कुछ भी। मैं अपने कमरे में ही हूँ, तो मैं थोड़ी सी चाय बनाने के लिए आई थी, चाय के साथ सोच रही एक रोटी खा लूं।
हमारी गली में बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया है, आसपास के लोगों को भी कोविड हो गया है। तो आसपास के लोगों को भी कोविड हो गया है, आने की कंडीशन नहीं है। मैं अपने कमरे में ही रह रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, डिफ़िकल्ट हो रहा है बच्चे से दूर रहना, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता, आप कितना भी मना करो समझाओ बच्चे आपके पास आ ही जाते हैं। लेकिन हाँ, मेरा निशु बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है, वो ये सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा डरता है। मैं उसको एक बार बोलती हूँ कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है तो वो दूर रहता है। मैंने उसको एक ही बार बोला है कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, बेचारा खुद से पूरे दिन एडजस्टमेंट किया है उसने। मैं हैट्स ऑफ हूँ अपने बेटे का, इतना छोटा सा बच्चा, और जो हमारी गली में जो किराने की दुकान है उनको कोविड हुआ है, उनकी दुकान पिछले 2 हफ्ते से बंद है। तो आज घर में चाय पत्ती अचानक से ख़त्म हो गई, तो वो जाके सामान खरीद के लेकर आया। मैं हैट्स ऑफ हूँ इतने छोटे से बच्चे का, आप बिलीव नहीं करोगे। काश मैं वीडियो शूट करती तो मैं आपको दिखा पाती, वो सारी चीज़ें खरीद के लेकर आया है। मैंने सिर्फ उसको एक चिट बना के दे दिया था, वो इतनी दूर से सारी चीज़ें किनारे किनारे जाके, मैं बालकनी से उसको देख रही थी, वो खरीद के लेकर आया, इतना छोटा सा बच्चा। मैं हैट्स ऑफ हूँ कि जहाँ एक तरफ मेरा कोई साथ नहीं दिया कल के बर्थडे का, इतना घर में काम फैला था, इतने सारे बर्तन फैले, और दवाई खा के सो जाऊंगी। मुझे नहीं पता मेरी कंडीशन कब ठीक होगी, आज होगी, कल होगी, परसों होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, दिल में बहुत दुख है, तो मैंने अपना परिवार समझ के आप लोगों को सोचा बता दो। चल मेरी चाय बन गई होगी, मैं चाय पी लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि मैं बहुत हैवी दवाइयाँ खा रही हूँ तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने जैसे ही अपडेट डाला, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि अब अपना ख्याल रखना, टेक केयर करना। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। मुझे पता है ना कि मैं अगर आप लोगों के साथ अपनी कोई भी बात शेयर करती हूँ तो आप लोगों को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, आप लोगों को मेरी वाकई बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, नहीं दुनिया को मतलब ही नहीं है, आपके जीने मरने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर लोग बोलते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने घर की बातें क्यों उछालती है। जब इंसान परेशान होता है ना तो किसी न किसी का सहारा ज़रूर लेता है, तो मेरे सामने बस आप लोगों का सहारा है, दूसरा कोई सहारा नहीं है।